नेपाल प्रीमियर लीग ने मचाई क्रिकेट जगत में धूम, टीमों को खरीदने की लग गई होड़, एनपीएल के ऑक्शन में हुई पैसों की बरसात, पोखरा और काठमांडू ने ऑक्शन के तोड़ दिए रिकॉर्ड। अब आईपीएल से बड़ा नेपाल में होगा एनपीएल का धमाल। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, किसी शायर की ये लाइन नेपाल क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट बैठती हैं। एक वक्त था जब नेपाल के राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को ही ना तो वाजिब वेतन मिलता था ना ही पर्याप्त खेल सुविधाएं, लेकिन आज नेपाल में नेपाल प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है, वो भी आईपीएल और पीसीएल की तर्ज पर। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल प्रीमियर लीग के लिए हुए 8 टीमों के ऑक्शन में खरीदारों ने बम्पर पैसों की बरसात कर दी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेपाल की स्थानीय क्रिकेट टीमें भी इतनी महंगी बिक सकती हैं, लेकिन नेपाल के स्थानीय खिलाड़ी इस तरह चमक सकते हैं ये किसी ने सपने में नहीं सोचा था, लेकिन वो सपना आज सच हो गया। आज फाइनल ऑक्शन में जमकर बोली लगी। ऑक्शन फ्रेंचाइजी के लिए बेस प्राइस 1 करोड़ रुपया प्रति टीम रखा गया था, लेकिन खरीदारों ने दिल खोलकर खरीदारी की। पहले आपको बताते हैं कि किस टीम को कितनी कीमत मिली। सबसे महंगी टीम बिकी पोखरा की, जिसे नेपाल T20 प्राइवेट लिमिटेड ने 3,57,00,000 रुपए में खरीदा। दूसरी सबसे महंगी टीम है काठमांडू की, जिसे कांतिपुर पब्लिकेशंस ने 3,33,33,339 रुपए में खरीदा। जनकपुर की टीम को 2,05,00,000 रुपए में बिकी, जिसे ड्रीम स्पोर्ट्स ने खरीदा। लुम्बिनी की टीम 1,86,04,000 रुपए में बिकी, जिसे फॉर्च्यून हेल्थ केयर ने खरीदा। चितवन की टीम 1,76,01,000 रुपए में बिकी, इसे चितवन मेडिकल कॉलेज ने खरीदा। सुदूर पश्चिम की टीम 1,68,888 रुपए में बिकी, इसे इंपायर स्पोर्ट्स ने खरीदा। विराट नगर की टीम को 1,51,00,000 रुपए में एमएडी ड्रीम स्पोर्ट्स ने खरीदा। करनाली की टीम सबसे कम 1,11,70,000 रुपए की कीमत में हिमालय बिल्डर ने खरीदा। सबसे बड़ी बात यह है कि एनपीएल में शामिल सभी 8 टीमों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। नेपाल के अंदर क्रिकेट के ऑप्शन में करोड़ों की बोली अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन दरअसल ये नेपाल की बदलती हुई तस्वीर है। ये बता रहा है कि नेपाल में न सिर्फ क्रिकेट के लिए दीवानगी बढ़ी है, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर और फाइनेंसर भी दिल खोलकर अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेपाल में क्रिकेट अब घाटे का सौदा नहीं रहा। नेपाल प्रीमियर लीग का आयोजन 30 नवंबर से 21 दिसंबर तक होगा। एनपीएल जैसी प्रतियोगिताओं से नेपाल में क्रिकेट का नक्शा बदलेगा, क्रिकेट के लिए दीवानगी बढ़ेगी, लेकिन खेल प्रतिभाओं को भी बड़े मंच में निखरने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान है, जहां आईपीएल में भारतीय क्रिकेट का नक्शा बदल दिया। आज आईपीएल की बदौलत भारत के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ियों की एक लंबी फेहरिस्त है। भारत के पास अगर 3 राष्ट्रीय स्तर की टीम बनाई जाए तो 3 उम्दा श्रेणी की राष्ट्रीय टीम तैयार हो सकती है, और ये सब सिर्फ आईपीएल की वजह से ही संभव हो पाया है। कुछ इसी तरह नेपाल प्रीमियर लीग भी नेपाल क्रिकेट के लिए उम्मीदों का सबब बनकर आई है। नेपाल जिस तेजी के साथ क्रिकेट पे आगे बढ़ रहा है, खेल में निखार आ रहा है, उससे यकीन मानिए कि अगले 5 सालों में नेपाल क्रिकेट का सिरमौर बनने जा रहा है और नेपाल में क्रिकेट का नक्शा बदलने जा रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।